आप सबका एक नए वीडियो पर फिर से स्वागत है दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BSNL और VI के बारे में, जो कि नया अपडेट आया है BSNL और VI के, जिसके बारे में एक जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक देखिएगा दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अभी हमारे देश में यानी कि इंडिया में 5 टेलीकॉम कंपनी अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है, जिसमें से एयरटेल, जियो, VI और BSNL और MTNL है। इन पांचों टेलीकॉम कंपनियों में से सबसे फर्स्ट नंबर पे अभी जियो चल रहा है, सेकंड नंबर पे एयरटेल है और थर्ड नंबर पे VI है और फोर्थ नंबर पे BSNL और फाइव नंबर पे MTNL है। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो BSNL और VI जो कि काफ़ी प्रयास करते हैं कि जो कि अपना नेटवर्क जो भी है या जो भी सर्विस है उसमें सुधार करें, लेकिन ये काफ़ी जो कि पीछे अभी भी रह चुके हैं एयरटेल और जियो से। यहाँ पे हम MTNL की बात इसलिए नहीं कर रहे हैं, MTNL जो है कि यहाँ पे दो ही शहरों में अपना सर्विस प्रोवाइड करती है, तो यहाँ पे उसको हम साइड में रखते हैं। लेकिन यहाँ पे जो कंपेयर रहता है ज़्यादातर जो कि चार टेलीकॉम कंपनियों में रहता है, जो कि एयरटेल, जियो, VI और BSNL, इन चारों कंपनियों में हमेशा कोई ना कोई जो कि प्लान को लेकर, किसी न किसी जो कि सर्विस को लेकर के काफ़ी ग्राहक जो कि यहाँ पे अपना एक एक जो कि प्लान के चलते एक एक कंपनी को चुनते हैं, यानी कि अपना सर्विस जो जिसमें अच्छा लगता है उसको यहाँ पे लेता है। जैसे कि नेटवर्क की सर्विस की बात की जाए तो नेटवर्क के सर्विस में यहाँ पे जियो एयरटेल आगे है, जिसकी वजह से काफ़ी लोग जियो एयरटेल को पसंद करते हैं और VI BSNL को लोग काफ़ी जो कि इसलिए भी पसंद करते हैं क्योंकि इनमें सर्विस के तो थोड़ा जो कि सही है, लेकिन यहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अपडेट है उसके बारे में एक एक जानकारी हम चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको देते हैं। तो BSNL और VI की ट्रैक पर वापसी, यानी कि BSNL और VI के जो ट्रैक है उस पर अब वापसी लोगों का होगा। यानी कि एक समय था जो कि BSNL और VI के जो भी ग्राहक है, VI यानी वोडाफोन आइडिया, इनके ग्राहक जो कि इनको छोड़ करके एयरटेल जियो में जा रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे फिर से काफ़ी जो कि यहाँ पे यूजर्स जुड़ना स्टार्ट हो चुके हैं BSNL और VI के। तो यहाँ पे लंबे वक्त बाद लौटे यूजर्स, तो यहाँ पे बात की जाए तो BSNL की यहाँ पे बात कर लें तो वायरलाइन यानी कि ब्रॉडबैंड सेगमेंट की बात करें तो भारत में जियो टॉप पोजीशन पर मौजूद है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जियो ऐसे ही जो कि पोस्टपेड की बात की जाए या प्रीपेड की बात की जाए तो जियो एक नंबर पे अभी चल रही है और उसके बाद एयरटेल का नंबर आता है। तो दो नंबर पे एयरटेल है जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, साथ ही VI और BSNL को लेकर पॉजिटिव संकेत देखने को मिल रहे हैं, इसके जो कि यूजर बेस में इजाफा देखा गया है। तो काफ़ी समय बाद ऐसा अपडेट हमें देखने को मिल रहा है जिसमें जो कि BSNL और VI के जो ग्राहक है वो बढ़ रहे हैं, नहीं तो काफ़ी समय से हम यह अपडेट देखने को मिलता था कि BSNL और VI के जो भी ग्राहक है वो घट रहे हैं। ठीक है, तो वोडाफोन आइडिया यानी VI और भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL का मार्केट लगातार गिर रहा है, लेकिन मार्च माह दोनों ही कंपनियों के लिहाज में अच्छा माना जा सकता है। इससे जो कि यहाँ पे VI और BSNL के यूजर्स के चेहरे पर मुस्कान लौट सकती है। ट्राई के मार्च के आंकड़ों की माने तो मार्च में नए वायरलाइन सब्सक्राइबर जोड़े हैं, जो दोनों ही कंपनियों के लिए अच्छे संकेत माने जा रहे हैं। तो यहाँ पे काफ़ी लोगों को यह भी लगता होगा कि मार्च का अपडेट मैं अभी दे रहा हूँ, तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे एक दो महीने पहले का रिपोर्ट जो कि निकलता है उसके बाद हमें जो कि यहाँ पे अपडेट देखने को मिलता है। तो मार्च में यहाँ पे जो कि काफ़ी जो कि यूजर्स बढ़े हैं BSNL और जो कि VI में, VI और BSNL से जुड़े नए ग्राहक। तो यहाँ पर हम बात करें तो हमें देखने को मिलता है कि ट्राई की रिपोर्ट के मुताबिक, ट्राई यानी कि ट्राई के मुताबिक ही सारे टेलीकॉम कंपनियां अपनी जो कि सर्विस प्रोवाइड करती है या ट्राई के अनुसार ही चलती है। तो यहाँ पे बात करें तो ट्राई की रिपोर्ट के मुताबिक वोडाफोन आइडिया ने फरवरी और मार्च 2024 में लगातार अपने साथ नए वायरलाइन यूजर्स को जोड़ा है। इससे पहले तक VI लगातार से वायरलेस कस्टमर दूरी बना रहे थे। VI के साथ ही सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL के साथ नए ग्राहक जुड़े रहे हैं। हालांकि जियो वायरलेस और वायरलाइन दोनों टॉप में जो कि मौजूद है, उसके बाद एयरटेल का नंबर आता है। बात की जाए तो कितने ग्राहक जो कि सारे कंपनियों में जुड़े हैं, तो एक एक जानकारी यहाँ पे हमारे पास डिटेल्स में है। अगर मार्च महीने में किसने कितने वायरलाइन यूजर्स जुड़े तो इसकी बात की जाए तो रिलायंस जियो जो कि यहाँ पे 3,99,495 यूजर्स को जोड़ा है और एयरटेल की बात की जाए तो इसने जो कि यहाँ पे
2,06,042 यूजर्स को जोड़ा है। और वोडाफोन आइडिया की बात की जाए तो वोडाफोन आइडिया यानी VI जो है 39,713 यूजर्स को जोड़ा है। और BSNL की बात की जाए तो BSNL यहाँ पे 6,203 यूजर्स को जोड़ी है। और इसकी अगर परसेंटेज में हिस्सेदारी की बात की जाए तो किसकी कितनी हिस्सेदारी है, तो यहाँ पे जियो की 35.61% और यहाँ पे एयरटेल की 25% और BSNL की 19% और वोडाफोन आइडिया की 2.5% जो कि यहाँ पे हिस्सेदारी बनी हुई है। वायरलेस सेगमेंट की बात करें तो रिलायंस जियो और एयरटेल दोनों ने अपने अपने साथ नए यूजर्स जोड़े हैं, जबकि वोडाफोन आइडिया और BSNL को वायरलेस यूजर्स बेस के मामले में नुकसान जो कि उठाना पड़ा है। यहाँ पर बात की जाए तो किसने कितने वायरलेस यूजर्स को जोड़े, तो इसकी बात की जाए तो रिलायंस जियो ने मार्च में अपने साथ जो कि 21,40,000 जो कि वायरलेस यूजर्स जोड़े, जबकि यहाँ पे 17,05,000 जो कि यहाँ पे यूजर्स के भारतीय एयरटेल का हाथ थामा है। वही वोडाफोन आइडिया के 6,08,000 मोबाइल यूजर्स ने साथ छोड़ा है, जबकि BSNL से जो कि 23,05,000 यूजर्स ने दूरी बनाई है। तो यहाँ पे फिर भी हमें देखने को मिला कि मार्च में तो नए ग्राहक जुड़े, लेकिन यहाँ पे ये भी है कि वायरलेस जो है कि यहाँ पे जो कि काफ़ी जो कि BSNL के यूजर्स ने साथ छोड़ा है। तो कुछ ही इस प्रकार से अपडेट निकल के आ रहे थे, जिस अपडेट के बारे में मैंने बताया। क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में VI और वोडाफोन आइडिया, जैसे कि VI को ही बोलते हैं, और BSNL जो कि यहाँ पे आगे आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं, आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं कैसे ही नई अपडेट के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।